गाइस, मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। बाप के पुलिस में होने की धोस पड़ी महंगी, कपल गिरफ्तार, पति ने बोला कि पत्नी ने उकसाया। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला जो कि सोशल मीडिया पे हो रहा है काफी तेजी से वायरल। पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दिल्ली में दरियागंज में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि वहां पर दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, इस दौरान ही काफी सारी गाइडलाइंस भी दी गई हैं। आप लोग अगर कोई जरूरी काम हो और आपके पास ई पास हो तभी आप लोग बाहर जा सकते हैं, और उस दौरान ही बाहर जाते वक्त आप लोगों के हाथ में सैनिटाइजर और उसी के साथ मास्क लगना काफी ज्यादा अनिवार्य है। इस दौरान ही एक कपल की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इस कपल को गिरफ्तार कर लिया है, पर महिला का जो नाम है वो आभा दत्ता बताया जा रहा है और जो उसके पति का नाम है पंकज दत्ता बताया जा रहा है। महिला जो है उसके पिताजी जो है वो एक्चुअली में पुलिस कर्मचारी हैं। इस दौरान ही वो एक्चुअली में लॉकडाउन के दौरान वो गाड़ी में घूमते हुए नजर आए। इस दौरान ही पुलिस वालों ने उनको रोका और रोकने के बाद उनसे पूछा कि आखिरकार वो कहाँ जा रहे हैं। उनके पास कोई पास नहीं था, वो घूमते हुए वहां पर पाए गए और उस दौरान ही उन्होंने ना तो कोई मास्क लगाया हुआ था। इसके बीच में पुलिस कर्मचारियों के साथ महिला जो है वो काफी ज्यादा बदतमीजी करने लगी और बोलने लगी, आओ मेरा चालान काटो, मेरा भी बाप जो है वो पुलिस में है, तुम्हें बताऊंगी, और तुम भिखारी जो कि तुम यहां पर ये चालान काटने के लिए आ गए हो। इस दौरान ही पति भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पति ने पूरा जो कि जिम्मेदारी जो भी सब चीजें हैं वो पत्नी के ऊपर डाल दिया। उसने ये चीज बताया कि हालांकि मैंने भी बदतमीजी की थी पर मेरी पत्नी ने खुद भी मास्क नहीं पहना था और मुझे भी मास्क नहीं पहनने दिया था, और उस दौरान ही वो ज्यादा से ज्यादा बदतमीजी कर रही थी और मुझे उकसा रही थी कि पुलिस कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करे। अभी ये पूरा केस जो है वो एक्चुअली में कोर्ट में जा चुका है और उस दौरान ही पुलिस कर्मचारियों के साथ बहुत ही बड़ी बदतमीजी की गई है, जो कि एक्चुअली में गाइडलाइंस का पालन करने के लिए उनको बोल रहे थे पर वहां पर बदतमीजी करते हुए अपने बाप की धौंस जमाते हुए नजर आई ये महिला। आई होप गाइस आप लोग ऐसे काम ना करें, आप लोगों के लिए सब सेफ्टी बनाई गई है। लॉकडाउन अभी लग रही है पर लॉकडाउन इतने सख्त नहीं लगे हैं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो। अगर आप लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो जरूरी काम से ही जाएं, नहीं तो आप लोग अगर सैर सपाटा करने के लिए जा रहे हैं तो आप भी मुश्किल में पड़ सकते हैं और अपने परिवार को भी मुश्किल में इस वक्त डलवा सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।